नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ओमान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। ओमान मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा देश है जो कि स्वतंत्र है। ओमान के सुल्तान काजुज बिन सैक मिडिल ईस्ट के इकलौते सुल्तान है जिन्हें सबसे अधिक सालों तक सुल्तान रहने का गौरव प्राप्त है। ओमान में आप सुल्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, ये एक सरकारी कानून है और इसे अपराध भी माना जाता है। यहाँ की पुलिस को किसी भी घर की तलाशी लेने के लिए किसी भी तरीके के वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओमान का जो नोट है उसका पूरी दुनिया में तीसरा सबसे मूल्यवान नोट कहा जाता है। आज के दुनिया में जो $1 की कीमत है 65 रुपये है और एक ओमानी दिनार की कीमत है 170 रुपये। यहाँ पर सुल्तान को खुश करने के लिए एक मस्जिद बनाई गई है जो कि बहुत ही बड़ी है और इसे बनाने के लिए 3 लाख टन से भी अधिक पत्थर भारत से आयात किए गए हैं। यहाँ पर अपराध की जो संख्या है उसे शून्य कहा जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अमीर देश है और इसे अमीर होने में केवल तेल का ही योगदान नहीं है, यहाँ पर खजूर और सी फूड का भी बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है जो कि पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और ये इनके आय का बहुत ही बड़ा स्रोत भी माना जाता है। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ पर टेररिज्म का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है और ये आतंकवाद से बहुत ही दूर वाला देश माना जाता है। ओमान के साइन बोर्ड में अरेबिक के साथ साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ का घोड़ा बहुत ही तेज और तेज दिमाग वाला माना जाता है और ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। 1970 से पहले ओमान में एक भी होटल नहीं था, लेकिन अब ओमान में 100 से भी अधिक 5-स्टार होटल पाए जाते हैं। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन कभी कभी सोशल सिक्योरिटी के नाम पर एक मिनिमम टैक्स देना होता है जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। ओमान एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ पर 44% से भी ज़्यादा जनसंख्या दूसरे देशों से आकर बसे हुए लोगों की है। ओमान के लोग इस्लाम धर्म से पहले इबादी धर्म का पालन करते थे और यहाँ पर शराब के लिए एक स्पेशल लाइसेंस भी लेना होता है और वहाँ का कोई भी व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% से ज़्यादा शराब में खर्च नहीं कर सकता है। यहाँ पर शिक्षित लोगों की जनसंख्या 99% से भी ज़्यादा कही जाती है और यहाँ पर बेकार की संख्या 0 कही जाती है। यह देश पक्षियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और पूरी दुनिया से लगभग लाखों पक्षी हर साल प्रवास के लिए ओमान में आया करते हैं। ओमान में मुस्कात को छोड़कर लगभग हर प्रदेश और पूरे शहरों में लड़कियां घर से बहुत ही कम निकलती हैं। वहां पर कहा जाता है कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए और घर की ही देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ओमान से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते होंगे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।